साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, कल यानी कि 7 अगस्त को हिसार के बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ये बयान देते हैं कि तिरंगे का सबको अपमान करना चाहिए। यानी कि जो आरएसएस की सोच है, जो आरएसएस की भावना है और जो बीजेपी की तिरंगे को लेकर के सोच है, वो डॉक्टर कमल गुप्ता जी के जुबान के ऊपर आ गई। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि सांप और संगी अगर एक साथ मिल जाएं, तो पहले संगी से निपटना चाहिए, सांप को छोड़ देना चाहिए। यानी कि वही आरएसएस, वही बीजेपी जो तिरंगे को जलाती है, तिरंगे का अपमान करती है, तिरंगे के नाम पे अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ जाती है, यानी कि जो आरएसएस की सच्चाई है और जो बीजेपी की संस्कृति है, वो डॉक्टर कमल गुप्ता की जुबान पर आ गई। पहली बात साथियों, डॉक्टर कमल गुप्ता को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने तिरंगे को लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणी की है। दूसरी बात साथियों, डॉक्टर कमल गुप्ता पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, मैं तो कहता हूं उनके कागजों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री तक अपने प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे। ये झूठे लोग हैं बीजेपी के, ये तिरंगे का अपमान करने वाले हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता को ऐसी टिप्पणी करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए डॉक्टर कमल गुप्ता को। इसी के साथ में साथियों, कल आपने देखा कि 1 अगस्त को जब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पैसे के दम पे, फंडिंग के दम पे दिहाड़ी के लोगों से 2-3-5 हजार में ट्रैक्टर मंगवाए थे, उसी प्रकार से कल हिसार में जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने यात्रा निकाली है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उस वीडियो के अंदर 10 हजार रुपये में तिरंगा यात्रा में आए, 20 लीटर तेल में, 30 लीटर तेल में तिरंगा यात्रा में आए, और जो किसान भ्रमित करके वहां ले आए गए, या जिनको लोभ लालच दे करके वहां ले आया गया, या जिनको दबाव दे करके वहां ले आया गया, उन किसानों ने कैमरे के सामने ये माना कि हम दिल्ली के किसान आंदोलन के साथ हैं, हम काले कानूनों के खिलाफ हैं, हम आंदोलन के साथ हैं, ना कि बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की यात्रा के साथ हैं। तो साथियों, बीजेपी की तिरंगा यात्रा का पूरा षड्यंत्र सबके सामने आ चुका है और तिरंगे के नाम पे ढोंग करने वाले आरएसएस और बीजेपी का कैरेक्टर हमारे सामने है। और निश्चित तौर पे बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो आंदोलन को कमजोर करने के लिए निकाली जा रही, वो फुस हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है। और हरियाणा की जनता को दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने बीजेपी के षड्यंत्र को फेल किया और उनके राजनीतिक ड्रामे की पोल खोल के सामने रख दी है। हिसार में जो कल यात्रा निकली है, वो पूरी तरह से इनका जो कार्यक्रम था आंदोलन को कमजोर करने का, उसको फेल करने का एक अंतिम कदम था। मैं पुनः हरियाणा के सभी युवाओं का, सभी किसानों का, बीजेपी के राजनीतिक ड्रामे को फेल करने के लिए उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं और दिल से सैल्यूट करता हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। जय जवान, जय किसान।